सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान कौन है? बोले आनंद स्वरूप है। आनंद बाहर से नहीं आता, बाहर से तो सुख और दुख आता है, लेकिन भीतर से आपको आनंद की प्राप्ति होती है। और जब प्रभु का आनंद मिले तो वो आनंद खत्म नहीं होता। और जब जीवन में आनंद आता है तो सुख दुख का पता नहीं चलता। जीवन में दुख भी आ रहे होंगे तो भी आप आनंद में। लेकिन हम लोगों ने क्या समझ रखा है, हम लोगों ने सोच रखा है कि आनंद का मतलब है, भगवान की कृपा का मतलब है, भगवान का मतलब यही है कि बस घर में खूब अच्छा आमदनी हो रही है, खूब बढ़िया बाल बच्चे, 8-10 दुकानें खुली हुई हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, खूब सारा जायदाद है, बस यही आनंद है। किसी से कहो ना कि ठाकुर जी की कैसी कृपा चल रही है, तो लोग क्या कहते हैं, पर बहुत मौज है, बड़ी कृपा चल रही है ठाकुर जी की, इतनी तो अपने घर फैक्ट्री है, इतना ये है, इतना वो है। अब उनसे पूछो भगवत कृपा का मतलब होता है भजन कितना बन रहा है आप पर ठाकुर जी का, तो बोल देंगे नहीं जी भजन नहीं बन पा रहा, पर वैसे खूब कृपा है, तो इसे कृपा नहीं कहेंगे। कृपा तो तब है कि तब आपका मन भगवान की ओर लग रहा, ठाकुर जी अधिक से अधिक आपके जीवन में भजन करवा रहे हैं, तब समझ रही है भगवान की वास्तविक कृपा बरस रही है आपके ऊपर। पहले बड़े छोटे ही लोग थे, लेकिन साइकिल पे चलते थे, उनसे पूछते थे ना भक्ति के बारे में तो सुंदर कांड पढ़ते थे, गीता जी का पाठ प्रतिदिन करते थे, खूब भजन करते थे। लेकिन आज वो अगर माला माल हो गए ना, तो उनसे जब पूछो ना कैसा भजन चल रहा, तो वो क्या कहते हैं, समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। पहले वो गीता जी का कंटिन्यू 2-2, 3-3 अध्याय कर लेते थे, 15-15 माला कर लेते थे, खूब भजन करते थे, लेकिन आज उन पर भजन करने के लिए समय नहीं है। क्यों नहीं समय? अजी पहले बड़ा उतना विस्तार नहीं था, अब बच्चों की दुकानों पर भी बैठना पड़ता है, वो अभी व्यापार में कच्चे हैं, ऐसा बहाना लगा देते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा, ये वजह नहीं है। वजह ये है जब भगवान संसार का सुख ज़्यादा देते हैं, तब अपना भजन का सुख खींच लेते हैं। वो आपको भजन नहीं करने देंगे, वो आपको भक्ति नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारी हमेशा से मांग संसार के सुख की रही है, भगवान के भजन की बहुत कम रही है। हमेशा याद रखें, हमने ये मन में बिठा लिया है कि भगवान का जो सुख है ना, वो तो नरसी जैसा, मीरा जैसा, सूरदास जैसा बना देगा, पर ऐसा नहीं है। भगवान का सुख आपको असाधारण बना देगा। सुदामा जी को जब भगवान ने त्रिलोकी दी, तो जब क्योंकि उन्हें जब द्वारिका से आए तब तक पता नहीं था, लेकिन जब अपनी नगरी आए और उनको पता चला कि कृष्ण भगवान ने मुझे त्रिलोकी दी है, तो वो घबरा गए, रोने लगे। उन्होंने कहा मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए, और त्रिलोकी को छोड़कर जाने लगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा ये मैंने दी है। बोले प्रभु भले ही आपने दी है, लेकिन ये अगर मैंने अपना ली तो मेरे जीवन से भगवान का भजन चला जाएगा, क्योंकि जब धन और सुख आता है तब आपका नाम विसर जाता है। ये सत्य है कि आपका नाम व्यक्ति भूल जाता है, उन सुखों के उस लालसा में, भोगने में व्यक्ति आपको भुला देता है। मुझे ये धन नहीं चाहिए, मैं तो जैसा था कम से कम मेरा भजन तो बन रहा था, मुझे नहीं चाहिए। तब प्रभु ने हृदय से लगा कर कहा मित्र ये तुम्हें नहीं सताएगा, क्योंकि व्यक्ति को जब तक धन सताता जब तक वो उसका मालिक बनकर रहता है। इसे मेरा प्रसाद समझो, ऐसा समझो ये मैंने कृपा करके दिया है, ये प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु ही कर रहे हैं, प्रभु ही हमारी गाड़ी को चला रहे हैं, तो ये प्रसाद बन जाता, तब माया नहीं लगेगी, तब इसमें क्लेश नहीं होंगे, दुख नहीं होगा।